हेलो फ्रेंड, मैं जगमोहन कश्यप अपने चैनल कश्यप टॉक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आपको मैं आज एक चीज़ दिखाना चाहता हूं, जो जो मेरे पास ये फीमेल रूबी है, ये 25 डेज की आज हो चुकी है, जो प्रेग्नेंट है। और इसमें जो मोमेंट देखने को मिल रहे हैं मेरे को, और जैसे ही मैं देख रहा हूं इसके जो निप्पल हैं वो बाहर की तरफ आते हुए, और पेट का जो शरीर इसका पेट है जो वो मेरे को बता रहा है कि इसके पेट में पप्स हैं जो मूवमेंट कर रहे हैं, वो धीरे धीरे हल्के हल्के, जैसे आपको भी निप्पल दिखाई दे रहे होंगे। और इसके शरीर से मेरे को मालूम है, पड़ रहा है कि ये कंसीव हो चुकी है, जो 25 डे की है। क्राई मीटिंग कराई हुई है मेरी, और अभी अगले मंथ में ये पप्स देगी। और रात के अभी 10 बज चुके हैं जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि दिन में मैं घर पे नहीं रहता हूँ, और मेरे हाथ के चोट के कारण मैं वीडियो काफ़ी दिन के बाद अपलोड करूँगा। और ये रात के समय 10 बज चुके हैं और अभी ये सो रही है, और जहाँ मैं खुद रहता हूँ उसी रूम में ये अभी सो रही है। और सोते सोते की ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो आपको दिखाना चाहता हूँ कि 25 डेज के बाद आपको कैसे पता लगेगा कि हमारी फीमेल है जो कंसीव हो चुकी है। सबसे पहले जो उनके निप्पल हैं वो बाहर की तरफ झुके हुए हैं, जो कि बाहर की तरफ निकल चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि जो उसका पेट का हिस्सा है जो पिछली तरफ में, वो भी नीचे की तरफ अब झुक चुका है, जिससे मेरे को ये क्लियर हो चुका है कि मेरी जो फीमेल रोगी है वो 25 डे की कंसीव हो चुकी है। और इसके लिए मेरे पास कॉल भी आए हैं कि जब मैंने मीटिंग कराई थी उसकी मैंने वीडियो डाली थी, उसके बाद मेरे पास फ़ोन और कॉल आए हैं कि भाई जब भी ये फीमेल पप्स देगी हमारे को भी पप्स चाहिएंगे, और ये अगले मंथ में ही पप देगी जो आपको देखने को मिलेगी, और फर्स्ट पप देगी हो, पहली बार ये बच्चे देगी, जो कि अभी 1 साल 2 महीने की है, जो कि मैंने फर्स्ट मीटिंग कराई थी इनकी। और इसीलिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ कि कई भाइयों के कॉल आ चुके हैं कि भाई अभी पप्स कब मिलेंगे कब मिलेंगे, क्योंकि पप्स तो अभी अगले मंथ में ही मिलेंगे, अगले महीने की मैं पप देगी, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कितने पप्स आएंगे। वो जिस जिस भाई को भी चाहिएंगे वो कॉल दोबारा से करें। और आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये कंसीव हो चुकी है और रात के 10 बज चुके हैं, जो कि अभी ये सो रही है, दिन में भी ये सोती रहती है, क्योंकि जब से मीटिंग कराने के बाद कंसीव हुई अभी ये शोर मचाना बहुत कम और कहना कूदना बहुत कम कर दिया उन्होंने, अभी ये सोती रहती है, अब भी सो रही है। और मैंने इसलिए वीडियो बनाई कि आपको पता लग जाएगा कि 25 डे के बाद फीमेल कैसे पता लगेगी कि आपकी फीमेल कंसीव हो चुकी है। सबसे बड़ा तो यही बात है भाई कि जो उसके निप्पल हैं पहले बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे थे, वो बाहर की तरफ आ चुके हैं, और क्योंकि इसका जो पेट का आकार अंडे की तरफ बनता जा रहा है, और उससे आप जजमेंट लगा सकते हो कि आपकी फीमेल कंसीव हो चुकी है। और अभी मैं आपको अगले महीने में ही वीडियो आपको अपलोड करूँगा, क्योंकि मेरे हाथ पे चोट लगने की वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ। और अब भी रात के 10 बज चुके हैं, क्योंकि दिन में फिर सोचता हूँ जो जो दूसरे लोग हैं मेरे पास वो कोई डिस्टर्ब करते हैं मेरे को भी, हाथ के तरफ मेरे को चोट लगी है, अभी ये सोते हुए बिल्कुल शांत आ गई, 2-3 बजे रात में उठेगी, और आप देख ही रहे होंगे कूलर इस पर लगा हुआ है, और बिल्कुल शांत से वो से सो रही है, खेलना कूदना इसका बिल्कुल बंद है, आराम से रहती है। और इसके लिए मेरे घर का सपोर्ट बहुत है कि जो मैं नहीं करता हूँ घर को सपोर्ट करते हैं मेरे, इसको जो कि गाइड होने की वजह से गाइड में
करते हैं इसको। ये देखिए आपको पता लग रहा होगा इसका जो शरीर है वो गोल अंडे की तरह होता जा रहा है। फर्स्ट कप देखिए जो कि अगले महीने में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके धन्यवाद।